ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਉਡਾਰੀ जब लोगों को ये पता चलेगा ना कि राजा को तुमने मारा है, धक्के मार के निकाली जाओगी यहाँ से। और एक बात याद रखना, अगर अरमान के करीब आने का ख्याल भी आए ना तुम्हारे दिमाग में, तो अपने पापों को याद कर लेना। उससे तुम्हें ये याद आ जाएगा कि अरमान सिर्फ तुम्हारा नाम का पति है, हक नहीं है तुम्हारा उस पर। हक सिर्फ इस बच्चे का है जो अभी तक पैदा नहीं हुआ, और मुझसे, मेरे अरमान से, मेरे कमरे से दूर रहो। निकलो यहां से, निकलो। आसमा, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं क्या चल रहा है? ओह गॉड, मम्मी जी को पता है मुर्तजा मुर्दैद के बारे में? मैं जानती हूं पुत्र कि मैंने तुझसे क्या मांग लिया है। मेरी खुद गलती ने तुझसे तेरा सब कुछ ले लिया और तूने हंसते हंसते अपना सब कुछ दे दिया। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे के बाप को कभी नहीं छीनूंगी। तुम्हारे बच्चे का बाप, मेरे बच्चे का बाप कभी नहीं बनेगा। मैं तेरे दर्द को समझ सकती हूँ पुत्र। जिंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान दे रही है तू। आलिया को सब कुछ मिल गया, फिर भी अरमान की तू ही सेवा कर रही है। आसमा, छोड़ दे उसे। किसे छोड़ दो? अरमान को। जा पुत्र, जाके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। मैं तो जा रही थी ना मम्मी जी, पर आपने देखा नहीं, सुना नहीं अरमान, उसकी शर्त। आसमा, आसमा पुत्र, ये कब तक चलता रहेगा? कब तक उसकी शर्त की सजा भुगतती रहेगी? अरमान भी तो सजा भुगत रहा है। ये सब छोड़िए, ये तो उसका फर्ज, और उसके दर्द में साथ देना मेरा फर्ज। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आलिया से आप सबकी हिफाजत करने के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। ओए, सो जा, कल गल कर लेना, ठीक है? ये इतना सारा खाना किसके लिए? सुना आपने, किसी की आवाज आई अंदर से। ना पुत्र, कान बज रहे हैं, तेरी बात सुन, तू सो जा। नहीं नहीं, सुन, मुझे बड़ी नींद आ रही, मैं सो जा। अब तू सुनती रही आवाज, मैं जा रही। मुझे कुछ तो गड़बड़ है। हमने आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया ना। बाहर आपकी पूरी फैमिली है, और आप हमें यहाँ ऐसे कैसे छुपा पाएंगी? नहीं मुर्तजा,
मुझे बस अरमान को बताना है, एक बार उसे बता दिया तो फिर आपको सेफ जगह शिफ्ट कर देंगे। अंदर से किसकी आवाज आई थी? आलिया, ऐसे दरवाजे पे यहाँ खड़े होने से कोई फायदा नहीं, मैं बात करूंगी अरमान से। चल। मुर्तजा, 6 बज गए, हमें ने यहाँ से निकलना होगा। मैंने सोचा था अरमान को बता के चीजें फिर कोई कदम लेंगे, पर मुझे यहाँ कुछ लोगों पे भरोसा नहीं। हो सकता है वो सुबह उठते ही यहाँ आ जाए और सबको बता दे। नूर, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? बॉर्डर पर? नहीं, किसी सेफ जगह। पूरा घर सो रहा है सिवाय इसके, ये क्यों जाग रही है? मैम, मुझे लगता है आपका शक सही था, आप आ जाइए। जी आप चल तो पाएंगे ना? जाएंगे कहाँ? हमारे बारे में पता? एक मिनट। कौन है भाई, कौन है? एक मिनट रुक जाओ। आसमा गिल को बुलाइए। कहाँ है आसमा गिल?